यूपी और उत्तराखंड में 6000 बोगस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इन सभी बोगस कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। अब इन कंपनियों के नाम आरओसी की वेबसाइट से हटाने की कवायद चल रही है। इन सभी फर्जी कंपनियों का न सिर्फ अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा बल्कि इनके निदेशकों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। खबरों के मुताबिक नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय के कॉर्पोरेट विभाग की ओर से दिखावटी या फर्जी कंपनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का ये दूसरा चरण है। इससे पहले अक्टूबर 2017 में 2,26,000 बोगस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें यूपी की 6,996 और उत्तराखंड की करीब 1,000 कंपनियों के नाम खत्म किए गए थे। ये सभी फर्जी कंपनियां कागजों में खुद को निष्क्रिय दिखाकर करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही थीं। बोगस कंपनियों के खिलाफ दूसरे चरण की कार्रवाई मार्च 2018 के बाद शुरू हो गई थी। इसमें अब तक देश भर में 2,00,000 से ज्यादा कंपनियों की पहचान की गई है। देश भर में जारी इस अभियान में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के क्षेत्रीय कार्यालय लगे हुए हैं। कानपुर स्थित यूपी और उत्तराखंड के कार्य क्षेत्र वाले कार्यालय ने दूसरे चरण में करीब 6,000 और कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए। इनमें से करीब 5,200 कंपनियां उत्तर प्रदेश की और 800 उत्तराखंड की हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन गतिविधियां कागजों में नहीं दिख रही थीं। इन बोगस कंपनियों की ओर से 2 या इससे अधिक सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दाखिल नहीं किए गए थे। खबरों के मुताबिक ये प्रतिबंधित कंपनियां अपनी संपत्तियों की बिक्री नहीं कर सकेंगी। सरकार काले धन से तैयार की गई इन कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय से निर्देश मिलते ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।